जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। 25 जून 1975 कुछ याद आ रहा है इस तारीख से? अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप अपने पेरेंट्स और बुजुर्गों से पूछिएगा। 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र पर एक धब्बे के समान माना जाता है, अर्थात आज हम बात कर रहे हैं आपातकाल पर। 25 जून 1975 भारत में आपातकाल लागू हुआ और वो भी आंतरिक गड़बड़ी के कारण। और कहते हैं कोई घटना जब घटित होती है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कोई ना कोई रीजन होता है। जैसे दो व्यक्तियों के बीच में कोई बात को लेकर विवाद हो गया तो हमें उस विवाद का तो पता है, लेकिन हमें ये जानना ज्यादा जरूरी है भी ये घटना, ये बात इस विवाद तक क्यों पहुंची, अर्थात उस विवाद की पृष्ठभूमि की, उसकी बैकग्राउंड की बात अगर करें। तो हम बात कर रहे हैं साथियों आपकी राजनीति विज्ञान की सेकंड बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति, जिसका छठा चैप्टर है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। हमेशा कहता हूं राजनीति विज्ञान विषय की हर क्लास को हम एक कहानी की तरह समझते हैं, तो आज भी हम इस कहानी को जानेंगे। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आपातकाल क्यों लागू हुआ, आपातकाल लगने के कारण क्या हुए, आपातकाल के टाइम देश के अंदर क्या क्या हुआ और आपातकाल के बाद देश की राजनीति में किस प्रकार से बड़ा परिवर्तन आया, और उससे पहले जानेंगे भी इस आपातकाल की पृष्ठभूमि को। अगर आप किसी भी घटना के उसके बैकग्राउंड को अच्छे से समझ लेंगे तो मुझे लगता है भी आपको उस पूरी कहानी को समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है वो नहीं होगी। तो समझते हैं आज के इस वीडियो क्लास में आपातकाल की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड को। तो देखिएगा 1967 के बाद से ही भारतीय जो राजनीति थी उसमें बहुत प्रकार के बदलाव है वो शुरू हो गए थे, जिनके बारे में हमने पिछले चैप्टर के अंदर, जो हमने चैप्टर पढ़े हैं अब तक, उनके अंदर अच्छे से जान लिया है। तो कहानी बढ़ते बढ़ते आ जाती है 5वें लोकसभा चुनाव के ऊपर। चुनाव हुआ फरवरी 1971, क्योंकि 4थी लोकसभा एक साल पहले ही इंदिरा गांधी ने भंग कर दी और फरवरी 1971 में 5वें आम चुनाव हो गए। उस चुनाव के अंदर कांग्रेस का नारा आपको याद है, और इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था गरीबी हटाओ। और उस टाइम जो गैर कांग्रेसवादियों ने जो अपनी एक गुट बना रखा था उनका नारा था इंदिरा हटाओ, और उसका जोड़ तोड़ इंदिरा ने ढूंढा गरीबी हटाओ का नारा। तो आगे के सेशन में हम जानेंगे, और पहले भी आप इसके बारे में जान चुके हो भी गरीबी हटाओ का नारा खोखला साबित होता है, और कांग्रेस यानी एक बड़ी जीत के साथ ये चुनाव है वो जीतती है, और 352 सीटें हैं वो कांग्रेस को मिलती है और इंदिरा गांधी पुनः देश की प्रधानमंत्री बनती है। तो चलिएगा, इंदिरा गांधी 5वें लोकसभा चुनाव में देश की प्रधानमंत्री बन जाती है। उसके बाद आपको पता है क्या क्या हुआ, उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो उससे पहले आपने 4थे चैप्टर के अंदर एक टॉपिक पढ़ा, भारत और पाकिस्तान का युद्ध, और कौन सा, 1971। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। एक तरीके से वो समस्या थी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान की, और भारत का उसमें बड़ा अहम रोल रहा, और क्यों रहा वो भी आप उस वीडियो सेशन के अंतर्गत अच्छे से जान चुके हो। तो सबसे पहले कहानी हम भारत पाकिस्तान के युद्ध से ही स्टार्ट करते हैं, जहां से मूल बातें हैं वो स्टार्ट हो जाती है। तो इंदिरा गांधी ने गरीबों को, लोगों को एक सपना दिखाया भी मैं भारत से गरीबी हटा दूंगी, और इसी दौर में 1971 में युद्ध हुआ और एक नए देश का जन्म हुआ था, बांग्लादेश का। तो जब बांग्लादेश नया देश बना और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, और उससे पहले पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम क्रिएट करी उसकी वजह से भारत के अंदर पूर्वी पाकिस्तान के बहुत से लोग हैं वो यहां आ गए,
हम कहें भी शरणार्थी है वो भारत के अंदर आ गए, और कहा गया लगभग 80 लाख लोग हैं वो उस टाइम भारत के अंदर आ गए। भारत का मतलब पूर्वी पाकिस्तान के आसपास अपना जो पश्चिम बंगाल, जो मेघालय, असम वाला जो वर्तमान में आप एरिया देखते हो, त्रिपुरा, वहां पर ये शरणार्थी आ गए। अब कोई अपने देश में शरण लिए है तो उसके लिए रोटी कपड़े की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। तो देश के सामने बहुत सी आर्थिक समस्याएं इन लोगों का भोजन करवाने के ऊपर है, वो हमारा खर्चा बढ़ गया। और इस युद्ध की वजह से देश का रक्षा खर्च है वो भी बढ़ गया, जिससे हमारे देश का औद्योगिक विकास है वो बहुत धीमा पड़ गया। और इस युद्ध की वजह से अमेरिका ने हमारी जो आर्थिक सहायता है वो बंद कर दी, क्योंकि आप सबको अच्छे से पता है अमेरिका, चाइना, ये सब पाकिस्तान को ही समर्थन दे रहे थे। तो देश के आर्थिक हालात है वो खराब होते जा रहे थे। देश के अंदर गरीबी हटने की बात तो दूर, गरीबी बढ़ना है वो शुरू हो गई। और इसी टाइम में क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई। और हम सब अच्छे से जानते हैं जब देश में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं तो सारी चीजें महंगी हो जाती है। और 1973 में 23% तक महंगाई बढ़ गई, 1974 में ये बढ़ते बढ़ते 30% तक होगी। तो तेल की कीमतें बढ़ी तो महंगाई बढ़ गई, गरीबों की हालत और खराब होने लगी। उन्हें देखिएगा, एक आम आदमी को भी ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और न उनका कोई मतलब होता भी ये किस वजह से हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम हो रही थी। तो इन वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम है वो आगे बढ़ती जा रही थी। बेरोजगारी है वो बढ़ रही थी, कर्मचारियों का वेतन है वो रोका जा रहा था। 1972-73 में मानसून ने भी हमारा साथ नहीं दिया और अकाल और सूखे की स्थिति हमारे देश के अंदर हो गई, जिससे हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो गया। और कहा जाता है पढ़ी लिखी जो जमात है वो सबसे पहले विरोध करती है, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे वो इन सब व्यवस्थाओं को लेकर विरोध के अंदर आ गए। माओवादी जो विचारधारा के जो लोग थे, नक्सलवादी जो लोग थे, उन्होंने हैं वो हथियार हैं वो उठा लिए। तो यानी देश एक आर्थिक संकट से गुजर रहा था। इंदिरा गांधी ने जो सपना दिखाया, लोगों को लग रहा था भी वो सपना टूट रहा है। हालांकि 1971 की लड़ाई में इंदिरा गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा और राज्यों के चुनाव हुए जो विधानसभा के, उसमें कांग्रेस को काफी लाभ भी मिला, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही थी। तो एक कारण तो ये हुआ, आर्थिक आधार पर देखें भी जो आगे जाकर आपातकाल लगने में इसका भी एक कारण है वो माना जाता है। इसके साथ साथ दो महत्वपूर्ण आंदोलन, एक गुजरात का आंदोलन और एक है बिहार का आंदोलन। गुजरात और बिहार दोनों आंदोलनों की अगर मैं बात करूं सामूहिक रूप से, दोनों ही स्टार्टिंग से छात्र आंदोलन रहे। क्या हुआ उस टाइम, यूनिवर्सिटी के जो फीस है उसमें थोड़ी वृद्धि कर दी गई, हॉस्टल्स के जो चार्ज हैं वो बढ़ा दिए, तो इनको लेकर छात्रों के अंदर काफी विरोध की भावना थी। तो उन्होंने कीमतें कम करने के लिए, उन्होंने खाद्यान्न की समस्या को सोल्व करने के लिए, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को, भ्रष्टाचार को, उसको भी आगे जाकर मुद्दा है वो बना लिया और जो रियल में था। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी कड़ी के अंतर्गत गुजरात आंदोलन। गुजरात आंदोलन जनवरी 1974 में स्टार्ट हुआ, जो कि एक छात्र आंदोलन था जिसके बारे में अभी अपनों ने बात की। जब पता चला भी गुजरात के छात्र है वो आंदोलन कर रहे हैं, तो आपको एक नाम याद आ रहा होगा, इंदिरा गांधी के धुर विरोधी मोरारजी देसाई, क्योंकि चुनाव में पटकनी खा चुके थे तो इनको लगा भी अब ये मौका है इंदिरा को सबक सिखाने का, तो वो इस आंदोलन के अंदर कूद पड़े। और उन्होंने कहा देश के अंदर गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और वहां जो ये विरोध जो चला वो चला फिर वहां के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, यानी गुजरात की सरकार के खिलाफ, एक एक एरिया को लेकर निशाना साधा जा रहा था। तो ये कहा मोरारजी देसाई ने, तो यहां तक धमकी दे दी थी भी अगर आपने यहां की सरकार बर्खास्त नहीं की तो मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। और परिणाम हुआ इंदिरा गांधी को झुकना पड़ा, जो वहां पर एक जो कहें भी बहुमत की जो सरकार थी उसे हिलना पड़ा और
इंदिरा ने विधानसभा भंग कर दी और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। जून 1975 में चुनाव हुए तो कांग्रेस की वहां पर करारी हार हुई। ये एक बहुत बड़ी जीत थी मोरारजी देसाई के लिए, भी इंदिरा को सबक सिखाया, भी उसका एक स्टेट गुजरात जहां पर कांग्रेस की सरकार थी और हमने उस सरकार को गिरा दिया। उस दूसरा आंदोलन बिहार का आंदोलन सेम इसी तर्ज के ऊपर, भी गुजरात की सरकार गिर गई तो अब बिहार के आंदोलन जो है वो स्टार्ट हो गया मार्च 1974 में। ये भी एक छात्र आंदोलन था। यहां पर इस छात्र आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे स्टार्टिंग में, आपने नाम सुना है जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव का नाम सुना है, आपने रामविलास पासवान का नाम सुना है, आपने सुशील मोदी का नाम सुना है, ये उस टाइम छात्र नेता थे। तो इन्होंने आंदोलन है प्रारंभ कर दिया इन्हीं समस्याओं को लेकर, जिनको जहां गुजरात के जो स्टूडेंट्स की समस्या थी उन्हीं समस्याओं को लेकर आंदोलन कर दिया। काफी हिंसक भी रहा, लेकिन इनको लग रहा था भी इनसे ज्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है, तो इन्होंने संपर्क किया जेपी से, यानी जयप्रकाश नारायण से। जयप्रकाश नारायण शायद भारत का हर बच्चा इनको जानता है और जानना भी चाहिए। जयप्रकाश नारायण एक गांधीवादी समाजवादी विचारधारा के नेता रहे हैं और जिस टाइम ये आंदोलन हो रहे थे उस टाइम इन्होंने सक्रिय राजनीति को छोड़ दिया था और गांधी जी की तरह सामाजिक कार्यों में ये लग गए थे। तो इन छात्र नेताओं ने जयप्रकाश नारायण से संपर्क किया भी आप हमारे आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। तब जेपी ने एक बात कही थी भी मेरी कुछ शर्तें हैं, एक तो आंदोलन अहिंसक होना चाहिए, क्योंकि गांधीवादी विचारधारा का आदमी था, अहिंसक होना चाहिए और यह आंदोलन सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे भारत में। तो उन छात्र नेताओं को भी लगा भी ठीक है पूरे भारत में ये मुद्दा उठेगा, अच्छी बात है, तो ये अहिंसक और पूरे भारत में ये आंदोलन स्टार्ट करने के अपने जो इन्होंने बात रखी उसको मान लेने के बाद जेपी इस आंदोलन में सक्रिय हो जाते हैं। एक लंबे गैप के बाद राजनीतिक सक्रियता यहां दिखाई देती है और इन्होंने नारा दिया संपूर्ण क्रांति का, पूरे भारत में बदलाव की बात कही, कहा देश के सिर्फ बिहार ही नहीं देश संपूर्ण देश के अंतर्गत बहुत सी प्रॉब्लम्स है। हमारे जो देशभक्त थे, हमारे जो आंदोलन थे, हमने जो देश को आजाद कराने के लिए आंदोलन किए, इस देश के लिए हमने जो सपना देखा वैसी सरकार अब यहाँ नहीं चल रही है, तो हमें एक सच्चा लोकतंत्र यहाँ स्थापित करना है, तो इसलिए इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान है वो किया। इन्होंने रेलवे से भी समर्थन मांगा, रेलवे के कर्मचारियों को कहा भी आप भी हड़ताल पर आ जाइए। इन्होंने दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी रैली की, लेकिन इंदिरा नहीं झुकी यहां पर, गौर कीजिएगा, क्योंकि गुजरात में तो झुक गई, उन्हें लगा अगर मैं बिहार में भी झुक गई, यहां की सरकार को बर्खास्त कर दिया तो फिर ये तो इन लोगों की एक आदत बन जाएगी स्टेट बाय स्टेट, ये तो हमारा सूपड़ा साफ कर देंगे, तो यहां पर इंदिरा गांधी है वो नहीं झुकती है। तो लेकिन एक व्यापक आंदोलन है वो पूरे देश के अंदर जेपी के नेतृत्व में, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहा था। इसी के साथ साथ एक रेल हड़ताल का जिक्र भी यहां जरूर करेंगे। मई 1974 के अंदर और मई 1974 में देश के अंदर रेल हड़ताल हुई और उसका नेतृत्व कर रहे थे जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस ने इसका नेतृत्व किया, रेलवे कर्मचारियों की बहुत सी मांगे थी, उनके बोनस के कुछ मुद्दे थे, उनको लेकर इन्होंने आंदोलन किया। आंदोलन लगभग 20 दिन चला लेकिन सरकार नहीं झुकी, इंदिरा ने काफ़ी हार्ड डिसीजन लिए, काफ़ी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया, कईयों को गिरफ्तार करवा दिया। 20 दिन के बिना किसी रिजल्ट के ये आंदोलन है वो वापिस ले लिया गया। तो आर्थिक बांग्लादेश का जन्म हुआ तो कुछ आर्थिक प्रॉब्लम्स हमारे देश के अंदर आई, गुजरात का छात्र आंदोलन हुआ, बिहार का छात्र आंदोलन हुआ, रेलवे की हड़ताल हुई, देश की हालात है वो कुछ अस्त व्यस्त होते जा रहे थे। चारों तरफ इंदिरा की जो लोकप्रियता थी वो अब कहीं नीचे रसातल में जा रही थी। इसके साथ साथ ही एक बहुत बड़ा संघर्ष सरकार का और न्यायपालिका का भी चला, न्यायपालिका से सरकार की नहीं बन पा रही थी, यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज
और सरकार के किए हुए फैसलों को पलट देते थे। आपने गोकुलनाथ वाला जो किस्सा है, जो केस है, वो सुना है 11वीं क्लास में अच्छे से। तो आपने वहाँ जाना था भी उस केस में सरकार ने क्या डिसीजन दिया था। ये कहा था भी संसद है वो मौलिक अधिकारों के अंदर किसी प्रकार का चेंज है वो नहीं कर सकती। सरकार अपनी कुछ योजनाओं को, कुछ सिस्टम को लागू करने के लिए कुछ चेंज करती थी, लेकिन जब वो चेंज कोर्ट के अंदर चैलेंज हो जाते थे तो वहाँ पर उन्हें पटकनी मिल जाती थी। आपने पिछले चैप्टर के अंदर बैंकों के राष्ट्रीयकरण का चाहे मुद्दा हो, चाहे प्रीवी पर्स का मुद्दा हो, आपको पता है ये सारे कोर्ट में गए थे और सरकार को काफ़ी प्रॉब्लम है वो हुई थी उस टाइम। तो संसद है वो मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती, ये सरकार और न्यायपालिका के बीच एक विवाद था। संपत्ति के अधिकारों में भी सरकार कांट छांट है वो नहीं कर सकती। साथ में ये भी था भी नीति निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए संसद है यानी सरकार है वो मौलिक अधिकारों में कमी है वो नहीं कर सकती। और इन सब मुद्दों का पटाक्षेप कौन से केस के अंदर हुआ, ध्यान दीजिएगा, एक बहुत बहुत फेमस इंडिया का वाद रहा है, केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती विवाद है, उसका रिजल्ट 24 अप्रैल 1973 को आया था, मौलिक अधिकारों को लेकर था भी। क्या संसद है वो मौलिक अधिकारों में जो चेंज है वो कर सकती है या नहीं कर सकती। तो केशवानंद भारती विवाद है, आपको पता है केरल से जुड़ा हुआ है, केरल में जब पूरा उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाया तो ये सुप्रीम कोर्ट में आ गया ये मैटर। और केशवानंद भारती बनाम केरल में एक मठ की जो जगह थी, जो जमीन थी, वो सरकार ने उसका अधिग्रहण कर लिया था, उसी को लेकर ये प्रॉब्लम है वो कोर्ट तक पहुंच गई थी। हालांकि केशवानंद भारती है वो ये केस हार जाते हैं, लेकिन हमारी न्यायपालिका ने एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया था यहाँ पर जो आज भी मान्य है, और भारत के बाहर के बहुत से देशों ने इसके ऊपर अच्छे से जांच पड़ताल करके अपने देशों में भी इस जो ये जो इसका रिजल्ट है वो लागू किया है। 13 जजों की एक पीठ ने ये फैसला है वो दिया था 24 अप्रैल 1973 को भी, संसद है वो मौलिक अधिकारों के अंदर चेंज कर सकती है ये बात कही, लेकिन संसद है वो संविधान के बुनियादी ढांचे में सुधार नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती। हमारा जो मूल कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है, जो ढांचा है, उसमें चेंज नहीं कर सकती। उस बुनियादी ढांचे को बिना छेड़े मौलिक अधिकारों में चेंज किया जा सकता है, ये केशवानंद भारती मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। ये मौलिक अधिकारों को लेकर ये विवाद यहाँ खत्म हो जाता है। 1973 में सरकार ने फिर एक उल्टफेर किया। 1973 में 3 वरिष्ठ जज थे लाइन में चीफ जस्टिस बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट को ये लग रहा था भी ये तीनों भी हमारे खिलाफ है, वो पंगा करेंगे, इसलिए उन्होंने चौथे को प्राथमिकता दी, NANRE को। तो ये भी बड़ा न्यायपालिका में विवाद का विषय रहा भी सरकार किस तरीके से हस्तक्षेप है वो कर रही है। इधर पूरे देश में जन आंदोलन चल रहा था और उधर सरकार न्यायपालिका के साथ भी एक अलग से लड़ाई है वो लड़ रही थी। इसी के आगे का एक और दिलचस्प जो बात यहाँ न्यायपालिका से जुड़ी हुई है, और कहूँ भी आपातकाल के बैकग्राउंड का मैं कहूँ भी सबसे प्रमुख कारण भी शायद यही रहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया, गलत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा भी इंदिरा गांधी जो चुनाव लड़कर आई है वो गलत तरीके से ये चुनाव जीत कर आई है। इसका जो वाद है वो कोर्ट के अंदर जो डाला था वो थे समाजवादी नेता राज नारायण। तो राज नारायण वाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया भी इंदिरा का चुनाव है वो गलत है। इसका मतलब ये हुआ भी अब इंदिरा गांधी जो सांसद है वो नहीं रहेगी। ये फैसला हुआ 12 जून 1975 को। इसका मतलब अगले 6 महीने में उन्हें पुनः इलेक्शन से इलेक्ट होकर आना पड़ेगा, वरना ये प्रधानमंत्री नहीं रह पाएगी। और इन पर जो आरोप था इस
वाद के अंदर वो ये था भी इंदिरा गांधी ने चुनाव के अंदर सरकारी मशीनरी का व्यक्तिगत रूप से लाभ लिया है, सरकारी लोगों का लाभ है वो व्यक्तिगत लाभ के लिए लिया है, ये आरोप उनके ऊपर सिद्ध हो जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इंदिरा कहां चुप रहने वाली थी, ये हाई कोर्ट से इस मैटर को कहां लेकर चली गई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला दिया और उन्होंने कहा भी इस मैटर पर हम सुनवाई करेंगे लेकिन जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है हम इस पर पूर्ण रोक तो नहीं लगाएंगे लेकिन हम इसके ऊपर एक आंशिक रोक है वो लगा देते हैं। तो इंदिरा का भी एमपी रहेगा रहेगी या नहीं रहेगी इसके अंदर आंशिक रोक है वो 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी और कहा भी जब तक सुनवाई चलेगी तब तक इंदिरा गांधी है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद रहेगी लेकिन ये लोकसभा में भाग नहीं ले सकेगी। अब इंदिरा गांधी के लिए हाथ पांव फूल रहे थे भी ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इधर जन आंदोलन और इधर कोर्ट भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो उसे लगा भी अब मेरी सीट जा रही है, अब मेरी सीट जा रही है, मैं अब प्रधानमंत्री नहीं रहूंगी। और सुप्रीम कोर्ट का जब ये फैसला आया तो विपक्ष कहां चुप रहने वाला था, उन्होंने इंदिरा से इस्तीफा मांग लिया। और 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया और जयप्रकाश नारायण ने बड़े जोश के साथ उस रैली को संबोधित किया और देश के अंदर पूरे देश के अंदर सत्याग्रह की घोषणा है वो की। और जेपी ने सेना पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का साथ भी मांगा भी आप सब हमारे साथ आ जाइए। तो इन सब कारणों की वजह से अब इंदिरा ने तुरंत उसी दिन 25 जून 1975 को जब दिल्ली में दिन में रैली होती है रात को एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है 25 जून 1975 को इंदिरा ने कहा भी देश के आंतरिक हालात है वो बहुत ही गड़बड़ हो चुके हैं, देश टूटने की कगार पर आ गया है। तो अनुच्छेद 352 के तहत उन्होंने राष्ट्रपति से मिलकर आपातकाल की घोषणा करवा दी और उस टाइम देश के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो राष्ट्रपति है वो देश के अंदर 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा है वो करते हैं, सिफारिश है वो करते हैं। और सुबह जब लोग उठते हैं तो उनको पता चलता है भी रात में ये हो गया है। अगले दिन टीवी पर इंदिरा टीवी नहीं रेडियो के ऊपर इंदिरा अपना स्पीच भी देती है भी देश के अंदर आपातकाल लग गया है, कुछ लोग सरकार के जो नुमाइंदे हैं सेना पुलिस सरकार सबको भड़का रहे हैं, देश की हालात बहुत ख़राब है तो इसलिए इमरजेंसी लगना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब आगे इमरजेंसी से क्या प्रभाव पड़े, क्या हुआ देश के अंदर इमरजेंसी के दौरान और इमरजेंसी के बाद, इन सब को जानेंगे अगले वीडियो सेशन में। तो एक कहानी की तरह आपने अच्छे से आपातकाल लगने की स्टोरी को यहाँ पर समझा है और अब आप एक बार आप सब बच्चों को कहना चाहूँगा अच्छे से पाठ्य पुस्तक से इसका ज़रूर जो रीडिंग है वो कीजिएगा ताकि ये कहानी आपके स्थायी रूप से मस्तिष्क के पटल के ऊपर छप जाए और जब कभी भी आपको इससे जुड़े हुए प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएं, चाहे न्यायपालिका से संघर्ष की बात पूछ ली जाए, चाहे गुजरात और बिहार आंदोलन से जुड़े हुए बात पूछ ली जाए, आप तुरंत उसका जल्दी से आंसर है वो दे सकें। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।